क्या रे रवि, तेरे को क्या लगता है कि इस बार भी निशाना चूक जाएगा क्या? जी भैया, इस बार दिल से जीत पक्की है। हाँ चिड़ो भैया, लगाइए निशाना। तो ये लगा, ये ये वाह चिड़ो भैया वाह, आप तो सच में हीरो हैं। क्या रे रवि, हम तुमको कौन सा एंगल से हीरो लगते हैं? संतोष, मेरे तरफ देख के अच्छे से बोलता हूँ, मैं तेरे को हीरो लगता हूँ क्या? ना चिड़ो भैया ना, आप तो फिल्म के विलन लगते हो। ये हुई ना बात। ये जगह काफी दूर तक फैली हुई है, क्यों ना इन सभी पेड़ों को कटवा कर तुम्हें अपना फैक्ट्री शुरू करवा दूं। रवि सुन तो। हाँ चिड़ा भैया बोलिए। रवि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो जगह है काफी दूर तक फैली हुई है, तो क्यों ना यहाँ पे मैं फैक्ट्री शुरू करवा दूँ। चिड़ा भैया, आप तो मेरे मुंह के बात ही छीन लिए, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। हाँ ठीक है ठीक है, तो कल से ये काम शुरू करवा दो। कल से क्यों भैया, आज से ही, अभी ही। ठीक है फिर, आज से ही काम शुरू करवा दो। जी भैया। संतोष तू ऐसा कर, तू ब्लेड लेकर क्या जल्दी से। ठीक है भैया। हाँ भैया चलो काम शुरू करो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? इन सब पेड़ों का मैं कटवा रहा हूँ। आखिर क्यों कटवा रहे हो इन सब पेड़ों को तुम लोग? इस जगह फैक्ट्री लगाना है, चिड़ा भैया का आदेश है, चल हट। ये सब अभी के अभी रोक दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लगता है संतोष इसको चिड़ा भैया के बारे में पता नहीं है। क्या कर लेगा तेरा चिड़ा भैया, बुलाओ उसे। चल हट हट हट, ये गुस्सा किसी और के सामने दिखाना, चिड़ा भैया के सामने नहीं चलेगा। देख मैं तुझसे लास्ट बार बोल रहा हूँ,
इसे तू रोकवा दे। तू रुक, अभी मैं चिड़ा भैया को बुला के लाता हूँ। अबे जा जा, बुला ले चिड़ा भैया को अपने, देख लूंगा उसे। यही है भैया, यही है। कौन है वे तू, और मेरे काम के बीच में तू टांग क्यों उड़ा रहा है? चले जा यहाँ से। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, तू कौन है? तू चला जा यहाँ से। इन सभी पेड़ों को काटकर तुम लोगों को क्या मिलने वाला है? तुम्हें पता है, अगर ये पेड़ है तो हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग जीवित हैं। चले जाओ यहाँ से, वरना मारा जाएगा तू।